सब्सक्राइब कीजिए डिजिटल इंग्लिश गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए कॉम्पिटिटिव इंग्लिश वीडियोस अलर्ट सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिजिटल इंग्लिश गुरुजी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। माय नेम इज एंडी दीक्षित एंड टुडे वी हैव सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट 5 देन सिंपल। इस पार्ट में हम बहुत ही छोटा सा 7-8-9 मिनट का पार्ट लेकर के आए हैं, आप सब जान सके कि हाँ किस तरीके से, क्योंकि कॉन्सेप्ट यार छोटा सा है। हाँ, और एक और बात, डेयर क्लास हम लोग नहीं आ पा रहे हैं। स्टूडेंट्स और सब्सक्राइबर व्यूअर्स जितने भी और लोग हो, आप कमेंट करते हो फेसबुक पर, इन सारी चीजों पर जो मैसेज करते हो, तो मैं सबको पढ़ लेता हूँ, ऐसा नहीं है, पक्का पढ़ लेता हूँ, लेकिन रिप्लाई नहीं दे पाता क्योंकि स्केड्यूल बहुत ज्यादा बिजी है। लेकिन सबको एक दिन बैठ करके रिप्लाई भी दूंगा, अच्छे से बात भी करूंगा। आप मेरे फेसबुक पेज पर, मेरे खुद के फेसबुक पर अकाउंट पर कनेक्ट हो सकते हैं, मेरे से वहां पर बात कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे तो हम ऑनलाइन रहते ही हैं, तो इजीली बात भी हो जाएगी। तो आपकी जितनी भी क्वेरीज वगैरह होंगी उन सब प्लीज वहां पर आप मेरे से पूछ सकते हैं मैसेज बॉक्स में, और प्लीज सपोर्ट करिए। और हाँ, एक और चीज चलते चलते मैं आपको बता दूं, जैसे वर्ब में क्या होता है कि बहुत सारी चीज ऐसी होती है जो इजीली हम ऐसे ही समझ सकते हैं, इसको मैं बोर्ड पे भी बताऊंगा, लेकिन कुछ इंडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं जैसे एवरीवन, समवन, नो वन, एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी, एनीथिंग, समथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, ये सब अगर आपको कहीं भी दिखे तो वर्ब सिंगुलर ही लगाना है इसके साथ में, डियर क्लास सिंगुलर ही वर्ब लगेगा। विद एनीवन, समवन, नो वन, एवरीवन, एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी, एनीबॉडी, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग और एनीथिंग, ये सब कुछ 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 कोई 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 को बताते हैं जिसमें निश्चित नहीं होता कि किसके बारे में बात चल रही है, तो वर्ब सिंगुलर आएगा, सिंगुलर आएगा, सिंगुलर आएगा। नेक्स्ट इस लेक्चर में क्या है, वीडियो में क्या है, एंड तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हम छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट्स लेकर के आए हैं, तो आप इजीली इसको देख सकते हैं। रूल नेक्स्ट, मुझे एक्चुअली याद नहीं रहता कौन सा रूल है, क्योंकि यार शेड्यूल ही ऐसा बिजी है, तो फिर भी आप अपने हिसाब से इसको समझते चलिएगा, लेकिन प्लीज पॉइंट आउट करते चलिएगा, नोट करते चलिएगा। ओके, ठीक है। इफ टू सब्जेक्ट्स, टू नाउन और टू प्रोनाउन आर कनेक्टेड विद ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ऑनली बट आल्सो, नॉट, आर एंड नॉट बट, दो सब्जेक्ट, दो नाउन या दो प्रोनाउन, यानी कि दो सब्जेक्ट यानी कि अगर दो सब्जेक्ट कनेक्टेड है इधर और से, इधर नॉर से, नॉर से और से, नॉर से और से, या फिर नन बट से, और हां नॉट ओनली बट आल्सो से, तो वर्ब यूज होगा कहते हैं नियर सब्जेक्ट के साथ में, लेकिन नहीं आप इतना समझ लो कि सेकंड वाले सब्जेक्ट के साथ में, विद एस एल एस, विद टुगेदर, विद इन एडिशन टू, इन सब के साथ में जब कनेक्ट हुआ था तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन इधर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, नॉर और एंड नन बट से अगर दो सब्जेक्ट कनेक्टेड हैं तो वर्ब सेकंड के अकॉर्डिंग यूज होगा। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत ही मजेदार तरीके से आगे की वीडियोस में आगे को आपको मिलेंगे, और बहुत ही डिफरेंट मिलेंगे, डेफिनेटली बहुत ही डिफरेंट। तो देखिएगा यहां पर क्या है कि अगर दो सब्जेक्ट हैं और वो इधर और, नीदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, नॉर और या नन बट से कनेक्टेड है। इधर और का मतलब या तो और या, नीदर नॉर का मतलब ना तो और ना, नॉट ओनली और बट आल्सो का मतलब यही नहीं बल्कि, ना का मतलब ना और का मतलब या, और नन बट का मतलब केवल, देन सिंपल यहां पर अगर कनेक्टेड है तो वर्ब यूज होगा अकॉर्डिंग टू सेकेंड सब्जेक्ट, यानी कि बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल्स देखते हैं। Either Ramesh or his friends have played a match. Dear class, या तो रमेश या उसके मित्र, मित्र एस लगा हुआ है, प्लूरल है, या तो रमेश या उसके मित्र मैच खेल चुके हैं, then simple है। एक बात बताइए, हम बात वाले के अकॉर्डिंग लगाएंगे तो अपने आप ही लगेगा, हिंदी में भी इसको बोल करके देख लो, या तो तुम या मैं चोर हूं, तो हूं का सेंस आ रहा है क्योंकि मैं बाद में आया, वैसे तो आता नहीं है, लेकिन अगर मैं को पहले लगा के देखते हैं तो या तो मैं या तुम चोर हो, तुम बाद में आया तो हो, देन सिंपल, या तो मोहन या उसके बच्चे जा रहे हैं, या तो टीचर
या स्टूडेंट्स जा रहे हैं, और अगर स्टूडेंट्स पहले आ जाए या तो स्टूडेंट्स या टीचर जा रहे हैं, तो टीचर को तो वहां सम्मान में लेकर के आए हैं। अगर हम कहें कि या तो मोहन या उसके बच्चे जा रहे हैं, तो बच्चे बाद में प्लूरल है, इसलिए है का साउंड आ गया। और अगर मैं ये लगाऊं कि बच्चे ही नहीं बल्कि मोहन भी जा रहा है, या तो बच्चे या मोहन जा रहा है, तो बाद में साउंड आ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हिंदी में साउंड आएगा और उसी के अकॉर्डिंग अंग्रेजी में वर्ब लगेगी, कुछ ना कुछ तो मैच करता ही। देन अगर मैंने यूज किया या तो तुम या मैं जाऊंगा, या तो तुम या मैं पढ़ रहा हूं, या तो तुम या फिर मैं, तो वहां पर जो बाद में जो सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग हिंदी में साउंड आएगा। तुम ही नहीं, नॉट ओनली बट ऑल्सो, तुम ही नहीं बल्कि मैं भी अध्यापक हूं, तो मैं बाद में आ रहा है तो हूं का साउंड आ रहा है। मैं ही नहीं बल्कि आप भी अध्यापक हैं, आपका साउंड आ रहा है तो हैं का साउंड आ रहा है, और बस वही अंग्रेजी में रहता है। आप हिंदी और अंग्रेजी दोनों को ये मैच करता है, सिंपल। आई द रमेश और हिज फ्रेंड्स, तो बाद में फ्रेंड्स दे रखा है, प्लूरल है तो वर्ब करेक्ट है, प्लूरल फॉर्म में है। एक और एग्जांपल देखिए, नॉट ओनली यू बट आल्सो आई एम अ टीचर, नॉट ओनली से और बट आल्सो से कनेक्टेड है, तो इसके साथ में हमने एम लगा दिया, क्लियर। तो अगर आपकी कनेक्टेड है आइदर और नीदर नॉर नॉट ओनली बट आल्सो नॉर और नन बट से, तो वर्ब सेकंड के अकॉर्डिंग आएगी, ओके ना। एक और देखो, नॉट ओनली द डायरेक्टर बट ऑल्सो द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, डायरेक्टर ही नहीं बल्कि स्टूडेंट्स भी प्रेजेंट थे। नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो से कनेक्टेड है आपके दो नाउन या दो सब्जेक्ट, एक सिंगुलर है और एक प्लूरल है, बाद में प्लूरल यूज हुआ है, वर्ब का यूज हुआ है, और ये करेक्ट है। डायरेक्टर ही नहीं बल्कि स्टूडेंट्स भी प्रेजेंट थे, तो यहां पर थे का साउंड आ रहा है हिंदी का भी और अंग्रेजी में हमने यूज कर दिया हुआ। अगर मान लीजिए ऐसे होता था, नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो द डायरेक्टर वॉज प्रेजेंट, स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि डायरेक्टर भी प्रेजेंट था, तो डायरेक्टर जब सिंगुलर बात आ जाता तो वॉज बनता। अगर हम कर देते Not only the students but also the director was present. तो यहां पर not only से connected है the students and but also से connected है the director, then यहां पर आ गया was. तो बाद में singular verb, तो singular verb singular subject, बाद में अगर plural है तो plural form वाली verb. Okay दोस्तों, and हाँ एक और चीज आपको बताऊं, नॉट ओनली बट ऑल्सो इधर और नेदर और एज वेल एज सुनदर अमेजिंग सबसे सेंटेंस कैसे जुड़ते हैं, सब्जेक्ट्स कैसे जुड़ते हैं, नाउन कैसे कनेक्ट होते हैं, तो उसके लिए आप वेट कीजिएगा, क्योंकि कंजक्शन में मैं इसको बहुत ही प्यार से बताने वाला हूं कि किस तरीके से वर्ड्स को कनेक्ट किया जाता है। बस आप वर्ड्स एंड पोजिशन न्यूज पेपर में करते रहिएगा। देखिए मैं आपको एक होमवर्क बताता हूं, आप न्यूज पेपर में एवरी डे 5 सेंटेंस किसी भी इंग्लिश के न्यूज पेपर में, अनसीन पैसेज में से, नॉवल में से या फिर मैगजीन में से 5 सेंटेंस एवरी डे, सोने से पहले किसी भी टाइम, यानी कि सुबह दोपहर शाम को कभी भी, ऑफिस में कोचिंग में कहीं भी, आप 5 सेंटेंस में हर एक ईच एंड एवरी वर्ड पर सर्कल बना के गोला बनाकर कि ये जरूर पता करें कि नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रपोजिशन है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन, आर्टिकल है, क्या है, ये जरूर पता करें प्लीज। पार्टिसिपल है या फिर ना इन्फिनेटिव है, जेरंड है, आखिर है क्या, ये टू प्रपोजिशन है या ये टू इन्फिनेटिव है, ये आईएनजी पार्टिसिपल है या ये आईएनजी जेरंड है, ये आईएनजी रहा रही रहेगा सेंस दे रहा है, प्लीज ये जरूर पता करिए। आपको किसी भी जगह पर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डेफिनेटली खुद ही कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि मुझे यस यहाँ पर एडजेक्टिव आना चाहिए, और एडजेक्टिव अगर आएगा तो इस तरीके से आएगा, यहाँ पर ये वाली वर्ब आनी चाहिए और ये वर्ब आएगी तो ऐसे आएगी। प्लीज आप एवरी डे, आप 5 डेज तक करिए, 5 से 10 दिन तक करिए, 5 सेंटेंस में केवल हर एक बार, और बताता हूं
हर फाइव सेंटेंस लीजिए न्यूज़पेपर में, फाइव सेंटेंस कोई से भी, शुरुआत से लेकर के एंड तक फाइव सेंटेंस में ले लीजिए और कि मुझे ये करना है, और उसमें हर एक वर्ड पर गोला कीजिए, पता कीजिए नाउन है प्रोनाउन है, आर्टिकल लगा हुआ है तो नाउन है, बीच में आ गया तो एडजेक्टिव है, कुछ ये ऐसे करके पता कर दीजिए। फिर इसके बाद में ये देखिए किस वर्ड का किस से रिलेशन बताया गया है और क्यों बताया गया है। बस आप ये कर लेंगे ना तो आपको कभी भी जब आप हॉट सीट पे बैठते हो और आपको ग्रामर की कोई भी रूल्स याद नहीं आते हैं तो वहां पर आपका अंडरस्टैंडिंग काम आएगा, अंडरस्टैंडिंग भी विद ग्रामर टच, यानी कि आप इसके अभ्यास में हो, आप इसके आदि हो चुके हो, आपको पता है कि ये वर्ड नाउन है और ये वर्ड एडजेक्टिव है, ये वर्ड आर्टिकल है, ये एडवर्ब है। जब आपको पता होगा तो आप कॉन्फिडेंस उसको लगा लेंगे माय डियर। सो प्लीज ये जरूर करके देखिएगा, डेफिनेटली मजा आएगा। और इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हो कि ये होता कैसे है तो प्लीज मैं नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा, इसी वीडियो में कमेंट कीजिए कि सर आप प्लीज एक बार बता दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लव यू ऑल। और हाँ एक और थैंक यू वेरी मच, आपने इतना प्यार दिया, सपोर्ट किया, सब्सक्राइब किया, प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए यार, सपोर्ट कर दीजिए प्लीज, थोड़ा सा और मजा आए तो डेफिनेटली काम करने में भी मजा आएगा। टिल देन बाय, और हाँ गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द वेरी बेस्ट, भगवान करे आपको वो सब मिले जो आप पाना चाहते हो इस लाइफ से। देखिए भाई कभी किसी की मदद की आश मत कीजिएगा, केवल आप ही हैं जो खुद अपनी मदद कर सकते हैं। सो प्लीज आप ग्रामर के रूल्स और झंझाल से बचना चाहते हैं, हॉट सीट पर बैठ करके सारे रूल्स जब आपके दिमाग से उड़ जाते हैं तब आप क्या करेंगे, केवल वही कॉन्सेप्ट काम आएगा क्योंकि आप इसकी हैबिट में होंगे। सो ये न्यूज़पेपर वाला काम जरूर करिएगा। ओके गुड लक, बाय।